बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको टेस्ट फूड विद जी। हमें आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पीटा ब्रेड। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पीटा ब्रेड बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 4 कप मैदा लिया हमने, 1 कप दूध लिया है नीम गरम, ईस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, चीनी ली है 1 टी स्पून, नमक लिया है 1 टी स्पून और ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें पीटा ब्रेड बनाने के लिए। अब ईस्ट ऐड कर देंगे मैदे में, चीनी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून बचा लेंगे और हमें सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब मैदा हमने छान के लिया था, जितना अच्छा मैदा छना होगा उतनी अच्छी आपकी डो रेडी होगी। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको भून लेंगे। अब हमने हसबे जरूरत नीम गरम पानी लिया है, उसको डाल डाल के इसको भून लेंगे। जो अगर आप कम्प्लीटली दूध से गूंदना चाहें तो दूध से गूंद लें, अगर आपको दूध ऐड नहीं करना है पानी से गूंदना चाहें तो पानी से भी गूंद सकते हैं। इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल डाल के इसको इतना गूंदेंगे कि हाथ पे चिपकना नहीं बंद हो जाए। दो हाथ पे चिपकना चिपक नहीं रही है, बहुत अच्छी सी गूंद गई है। अब इस पे ऑयल लगा देंगे, अब इसको कवर करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। अगर सर्दी हो तो 2 घंटे के लिए और अगर गर्मी हो तो 1 घंटे में राइस हो जाएगा और किसी गर्म जगह पर। तो डो को हमने राइस करने रखा था, इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी राइस हो गई है ये। अब इसको पंच करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए सारी। देखिए कितनी अच्छी डो राइस हुई है। इसकी बॉल्स बना लेंगे। अब इन पेड़ों को रेस्ट पे रख देंगे 15 मिनट्स के लिए कवर्ड करके। 15 मिनट्स हो गए इनको रेस्ट पे रखे हुए, देखिए राइस भी हो गए। अब एक पेड़ उठाएंगे और बाकी कवर्ड करके रख देंगे। थोड़ा सा मैदा एडजस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए बिल गई है, देखिए इसकी थिकनेस। बस को ढक के अब तवे पे डाल देंगे, और तवे पे डाल देंगे और तवा हमारा हल्का सा गर्म है और फ्लेम हमारी लो है। तवा हल्का सा गर्म करके डालेंगे इस पे रोटी, नहीं तो अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी इस पे तवे पे चिपक जाएगी और तेज़ गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी से सिक जाएगी। तो बिल्कुल हल्का सा गरम करके तवे पे फिर रोटी डालनी है। हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए तो बस इसको टर्न कर देंगे। तो ये देखें दूसरी साइड से भी इसको बस ये सिक गई है हल्की सी। अब इसको टर्न करेंगे
तो ये देखें, ये रोटी हमारी फूल गई है, फ्रेश करेंगे थोड़ा सा, देखें फूल लिए यहाँ से, बस ये रेडी है रोटी, इसको उतार लेंगे। रेडी यहाँ पर हमारी पीटा ब्रेड। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।